तो हमने सारी थ्योरम्स कंप्लीट कर ली थी सेकंड चैप्टर की, तो अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन को पढ़ा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन वी कोई वेक्टर है उसको हम कब बोलेंगे कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वेक्टर वी वन वी टू और वी थ्री का, अगर हम वी को लिख सकें वी इज इक्वल्स टू ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री, जहाँ से जो ये ए वन ए टू ए थ्री हैं ये कहाँ बिलोंग करेंगे, फील्ड से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे दिखाना है कि ये वेक्टर जो वी वेक्टर हमें गिवन है ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर वी वन वी टू वी थ्री, तो यही वाली कंडीशन लेके चलेंगे और हम दिखा देंगे कि जो वेक्टर वी वी वन वी टू वी थ्री है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वी वैक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो देखो, हम लेके चले लेट वी इज इक्वल्स टू ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री, जहाँ जो ये स्केलर्स होंगे कहाँ से आएंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से, क्योंकि मेरे पास जो फील्ड गिवन है वो क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो मेरे को वी वन दे रखा है, क्या है, वन माइनस टू फाइव, वी वन गिवन है, वी टू गिवन है और वी थ्री गिवन है। हमने यहाँ सिर्फ वी वन वी टू और वी थ्री की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसके बाद देखो, यहाँ से इसको इस तरीके से कर लो, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ए वन कोमा ए वन कोमा ए वन प्लस ए टू कोमा टू ए टू कोमा थ्री ए टू प्लस, अब ये वाला स्केलर भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टू ए थ्री कोमा माइनस ए थ्री कोमा ए थ्री। अब देखो, इनको ऐड करना है तो ऐड कैसे होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होंगे, तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री, सेकंड कोऑर्डिनेट ऐड होंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट ए वन प्लस टू ए टू माइनस ए थ्री, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, ए वन प्लस थ्री ए टू प्लस ए थ्री। इस तरीके से मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई, सिर्फ वैल्यू पुट की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद वैल्यू पुट की। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, ए वन, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए वन प्लस ए टू प्लस टू ए थ्री, तो दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वेट कर दिया, सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड के साथ इक्वेट कर दिया और थर्ड कोऑर्डिनेट को थर्ड के साथ इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ से तीन इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है ना, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे तो सेकंड इक्वेशन और थर्ड को थर्ड के साथ करेंगे तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब जब इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ये वाला मेथड, इन इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड हमने प्लस वन में नहीं टेंथ में किया हुआ है, तो उसे तो आप इजीली कर ही लोगे, तो इनको इक्वेशन को जब तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए वन ए टू और ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ए वन की वैल्यू सोल्व करने के बाद माइनस सिक्स आएगी, ए टू की वैल्यू थ्री आएगी और ए थ्री की वैल्यू टू आएगी, और ये तीनों क्या है, रियल नंबर है, मतलब मेरे फील्ड में से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि फील्ड मेरे को रियल नंबर गिवन था। ठीक है ना, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, अब ए वन की वैल्यू क्या आई मेरे पास, माइनस सिक्स, ए टू की वैल्यू क्या आई है, थ्री, और ए थ्री की वैल्यू क्या आई है, टू। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया।